डायरेक्ट किया है दैट इट शुड रिजोल्व दॉटर डिस्प्यूट इश्यू बिटवीन दिल्ली गवर्नमेंट एंड हरियाणा गवर्नमेंट तो इसके रिलेटेड हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन किस बारे में है कंसिडर दॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दी रिवर डिस्प्यूट रिवर डिस्प्यूट के बारे में हम ये क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है अ रिवर बोर्ड सबसे पहले रिवर बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं ओके इज एस्टेब्लिश्ड बाई द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट तो इस्टेब्लिशमेंट पे बात आ गई है कि जो आपके रिवर बोर्ड जिसके बारे में न्यूज भी दी गई है तो ये रिवर बोर्ड बनाता कौन है इस बारे में ये स्टेटमेंट है तो यहां पर स्टेटमेंट बोल रही है कि जो भी स्टेट इन्वॉल्व हैं वही इस रिवर बोर्ड को बनाते हैं तो क्या यह सही बात है या गलत है देखो इसमें हम अगर कॉमन सेंस भी लगाएं तो जो दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं किसी भी लड़ाई में अगर उन्हीं के हाथ में हम फैसला छोड़ देंगे तो कैसे रिजोल्व होगा इशू ठीक है जी तो यहां पे दिस विल बी रॉन्ग यहां पे कौन स्टेब्लिश करेगा उसको पार्ल यहां पे कौन स्टेब्लिश करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी आपकी रिवर बोर्ड ठीक है जी नेक्स्ट इज इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 एम्पावर्स अब यहाँ पे सबसे पहले क्या ऐसी कोई एक्ट मौजूद है हाँ जी बिल्कुल ये मौजूद है एम्पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देती है टू सेट अप एड हॉक ट्रिब्यूनल एक नॉन परमानेंट आपका ट्रिब्यूनल बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देती है ये एक्ट लिए फॉर एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट जब दो या दो से ज्यादा किसी किसी के के बीच में किसी नदी के पानी से रिलेटेड या रिवर वैली से रिलेटेड कोई भी अगर है, तो ये act आपके uh, government को पावर देती है टू अप एडहॉक ट्रिब्यूनल तो क्या यह बात सही है जी बिल्कुल सही है यहां पर भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करता है रिवर तो बोर्ड भी रिवर बोर्ड एक्ट नाइन पास की गई थी उसके बाद ही

बात सही है नो दिस इज रॉन्ग यह आपस में रिवर्स कर दी गई है स्टेटमेंट जो आपका फाइनल डिसीजन रहेगा जो डिसीजन बाइंडिंग रहेगा वो रहेगा ट्रिब्यूनल का और रिवर बोर्ड का जो डिसीजन रहेगा वो रहेगा आपका एडवाइजरी इन नेचर ये याद कर लेना है रिवर बोर्ड का जो डिसीजन रहेगा वो एडवाइजरी रहेगा नेचर में एंड जो भी ट्रिब्यूनल का डिसीजन रहेगा दैट विल बी फाइनल एंड दैट विल बी बाइंडिंग अब आप ये पूछेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का भी जुडिस्टिक्शन नहीं होता क्या Yes, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट इस एरिया में जुडिस्टिक्शन अपना अप्लाई नहीं कर सकते तो क्या ये बिल्कुल फाइनल है ऑबियसली दिस इज फाइनल लेकिन आप हमेशा जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि इन द एरिया ऑफ स्पेशल लीव पिटीशन अपनी पावर यूज करके स्पेशल लीव पिटीशन की इट कैन ऑलवेज टेक एनी केस एक्सेप्ट एक्सेप्ट वॉट र्ट मार्शल्स राइट एक्सेप्ट कोर्ट मार्शल्स इट कैन ऑलवेज टेक द केसेस अंडर द स्पेशल लीव पिटीशन सो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट दिस इज रॉन्ग ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट क्या पूछा गया है करेक्ट ही पूछा गया है और एक ही यहां पर आपकी स्टेटमेंट सही है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग क्वलिशियन गवर्नमेंट तो आर्टिकल एडिटोरियल पार्ट में आर्टिकल में आया है कि कोईलिशियन गवर्नमेंट बनने से रिफॉर्म्स पे क्या इफेक्ट आता है इकोनॉमिक रिफॉर्मस पे क्या इफेक्ट आ सकता है इसके बारे में यह आर्टिकल है हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन क्या कहते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोलिशन गवर्नमेंट क्वालिशियन गवर्नमेंट के बारे में हमें पूछा गया है फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीज दैट कैन फॉर्म अ कोलिशियन गवर्नमेंट आर टू एंड सेवन रिस्पेक्टिवली तो क्या बोल रहे हैं मिनिमम पे दो लिख देते हैं मैक्सिमम पे सात लिख देते हैं तो क्या ये बात सही है नहीं बिल्कुल गलत बात है ये जो बात है मिनिमम वाली ये तो सही है क्योंकि कोलिशन बनाने के लिए अब एक ही पार्टी वो आपस में तो कॉलिशन करेगी नहीं उसको दूसरी पार्टी तो चाहिए तो मिनिमम तो दो बात सही है लेकिन मैक्सिमम की जो ये बात कर रहे हैं उसकी कोई लिमिट सेट नहीं करी गई है कितनी भी पार्टीज कोलिशन फॉर्म करके बस एक मेजोरिटी बनानी होती है अगर किसी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली तो आप कॉलिशन बना के आ जाइए चाहे उसमें कितनी ही पार्टी बनी हो ऐसा भी देखा गया है भारत में कि फोर्टीन पार्टीज ने भी मिलकर कॉलिशन गवर्नमेंट बनाई

राइट जनता दल ने अपनी पार्टी जनता दल ने गवर्नमेंट बनाई थी क्वालिशन गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1977 डिफीटिंग कांग्रेस इससे पहले सिंगल पार्टी मेजोरिटी चलती आ रही थी इंडिया में 1977 में पहली बार क्वालिशन गवर्नमेंट बनी थी राइट सो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट नन कोई भी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है सो नाइदर वन नो टू इसका आंसर हो जाएगा ओके जी मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज रिगार्डिंग आई एम ई सी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर तो यहां पे कुछ बात हो रही है कॉरिडोर की तो एक रास्ता बनाया जाएगा जहां से आपका इकोनॉमिक या फिर ट्रेड की बात करें इकोनॉमिक रूट के डेवलपमेंट की बात हो रही है न्यूज में क्या है इंडिया और यूएसए के रिलेशन के रिगार्डिंग यहां पर बात की गई है कि इंडिया और यूएसए बिकॉज वहां से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर विल बी विजिटिंग इंडिया वेरी सुन सो दैट इज वाई दे विल ऑल्सो बी मीटिंग इन दी बायिटरल मीटिंग होने के चांसेस ज्यादा है इन दी जी सेवन समिट जी सेवन सबमिट के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं तो यहाँ पे एक जिक्र आया है IMEC का कि IMEC के ऊपर भी यहाँ पे डिस्कशन होगा राइट तो IMEC के बारे में पहले हल्का सा हम जान लेते हैं यहाँ पे आपको इंडिया दिख रहा है दिस इज मिडल ईस्ट हियर एंड दिस इज हियर यूरोप तो यहाँ पे क्या है कनेक्ट करना है इंडिया को यूरोप से वाया मिडिल ईस्ट वाया अरेबियन पेनिंसुला एंड देन मिडिल ईस्ट एंड देन टू यूरोप इसमें आपके रेल नेटवर्क भी रहेंगे सी रूट भी रहेगा और रोड नेटवर्क भी रहेंगे दिस इज एन इकोनॉमिक कॉरिडोर राइट इसमें क्या है इकोनमी बूस्ट करना है जो कनेक्टिविटी है उसको बूस्ट करना है ऑल्सो ये एक चैलेंज देखा जा रहा है टुवर्ड्स दी सी पैक विच इज डेवलप्ड बाय चाइना राइट अब देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर आईएमईसी की ही यहां पे बात पूछी जा रही है पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है आईएमईसी कंप्राइजेस ऑफ एन ईस्टर्न कॉरिडोर कनेक्टिंग इंडिया टू द गल्फ रीजन एंड एन नॉर्दर्न कॉरिडोर कनेक्टिंग द गल्फ रीजन टू यूरोप क्या बात हो रही है इसमें कि यहाँ पे दो कॉरिडोर है जो ये पूरा हमने कॉरिडोर नाम कर लिया है इसमें दो कॉरिडोर बनाए जाएंगे जो कि आपका फर्स्ट रहेगा ईस्टर्न कॉरिडोर जिसमें इंडिया को मिडल ईस्ट से जोड़ा जा रहा है और आपका नॉर्दर्न कॉरिडोर रहेगा जिसमें आपके गल्फ रीजन को किससे जोड़ा जा रहा है यूरोप से ओके okay. नाव यहाँ पे क्या बोला जा रहा है इंडिया टू गल्फ रीजन मिडल ईस्ट नहीं गल्फ रीजन से जोड़ा जा रहा है इंडिया को फिर गल्फ रीजन को किससे जोड़ा जा रहा है आपके यूरोप से जोड़ा जा रहा है करेक्ट इसके बाद दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट दो यहाँ पे कॉरिडोरस पार्ट दो पार्ट्स में बनाए जाएंगे एक को बोलेंगे ईस्टर्न एक को बोलेंगे नॉर्दर्न ईस्टर्न में आपका इंडिया से लेके गल्फ गल्फ से फिर आपका यूरोप तक उसको बोलेंगे नॉर्दर्न नाउ सेकंड स्टेटमेंट क्या है इट विल इंक्लूड अ रेलवे शिप रेल ट्रांजिट नेटवर्क एंड आल्सो द रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है आपकी राइट right? तीनों ही इन्वॉल्व रहेंगे रेलवे भी शिप भी एंड रोड भी यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगा इसके बाद है अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो साइंड बिटवीन किस किस कंट्री के बीच में ये एमओयू साइन हुआ एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस किस के बीच में साइन हुआ ये इस स्टेटमेंट बता रही है लेकिन ये साइन कब हुआ है ये हम देख लेते हैं जी ट्वेंटी सबमिट जब हुई थी इंडिया में इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो उसके

तो यहां पे बात करी जा रही है यूरोपियन यूनियन की एंड सेवन अदर कंट्रीज दैट इज इंडिया यूएसए सऊदी अरेबिया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई फ्रांस जर्मनी एंड इटली तो यहां पे ये यह कंट्रीज क्या यहां पे एमओ साइन करके आई हैं येस दीज ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट सो दैट इज वाई आंसर विल बी ऑल थ्री मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हम यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एन की बात है एवरीबडी नोज जो नीट के स्कोर्स आए हैं उसमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसी देखने को मिल रही है और इसके लिए चैलेंज किया जा रहा है एन की रिजल्ट को तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि एन क्यों जरूरी है तो एन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको बनाया गया था जस्ट टू फ्रेम आ ट्रांसपेरेंट नेटवर्क क्योंकि बहुत सारा जो कॉम्पिटेटिव uh, एग्जाम थे उसमें कभी पेपर लीक हो जा रहा है कभी उसके रिजल्ट्स में डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं तो दैट इज वाई एक सिंगल यूनिफॉर्म बॉडी का बनाना इस्टेब्लिश करना दैट वॉज आप पॉजिटिव स्टेप लेकिन अगर एन के रहते रहते भी यहाँ पे रिजल्ट में डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिल रही हैं तो दिस इज अ बिग चैलेंज टूवर्ड्स आर टेस्टिंग एजेंसी तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है

2017 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तब इसको मिनिस्ट्री का नाम क्या था दिस मिनिस्ट्री वॉज नॉन एज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट लेकिन दो हज़ार बीस में इसका नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया है सो दैट इज वाई वी हैव सेट अगर यहाँ पर आपको दिया गया दिया जाए कि दो हज़ार सत्रह में एच आर डी मिनिस्ट्री ने इसको बनाया था तो वो स्टेटमेंट भी आपके लिए सही हो जाएगी बिकॉज एच आर डी मिनिस्ट्री को ही रीनेम करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बनाया गया था तो बोध ही स्टेटमेंट्स आर करेक्ट आर पूछा गया है आपसे करेक्ट ही तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन तो यहां पे बोला गया है पर्सियन गल्फ में कौन कौन सी कंट्रीज यहां पे बॉर्डर शेयर करती हैं तो कुवैत में मेनी मेनी इंडियंस वर किल्ड इन द इंसिडेंट इन द फायर इंसिडेंट सो दैट इज वाई कुवैत इज इन न्यूज सो लेट एस सी कुैत थ्रू दी आईज ऑफ मैप्स राइट तो सबसे पहले पूछा गया है पर्सियन गल्फ के साथ कौन कौन सी गल्फ कंट्रीज आपकी बॉर्डर शेयर करती हैं तो यहां पे ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है कुवैत इराक सऊदी अरब यमन कतर बहरीन तो पर्सियन गल्फ के साथ कौन कौन अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं इसको देखने से पहले हम इसका मैप देख लेते हैं उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा सो दिस इज पर्सियन गल्फ यहाँ पे ये आपका पर्सियन गल्फ है राइट तो यहाँ है आपका इराक दिस इज इराक जो ये पार्ट आपका टच हो रहा है दिस इज इराक एंड जो ये श... लाइन्स वाला एरिया है दिस इज नोन एज कुवैत दिस कंट्री इज कुवैत एंड हेयर इट इज़ सऊदी अरेबिया दिस इज सऊदी अरेबिया एंड दिस इज बहरेन एंड दिस इज कतर एंड दिस इज यू ए ये भी टच कर रहे हैं यहाँ पे एंड दिस इज ओमान ओमान इज ऑल्सो टचिंग हेयर इट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बट यमन कहाँ दिख रहा है आपको यमन इज हेयर इन दि बब अलमनदेव एंड रेड सी ठीक है यमन आपका पर्सियन गल्फ में नहीं है ऑल्सो ईरान इज ऑल्सो टचिंग दिस है ना ईरान भी यहां हैं लेकिन ईरान आपके क्वेश्चन में नहीं दिया गया है यहां पे बहरेन कतर यूएल सम पार्ट ऑफ ओमान राइट तो अब हम यहां पे क्वेश्चन देख लेते हैं कंसिडर द्वेश्चन बॉर्डरिंग पर्सियन गल्फ फर्स्ट इज कुवैत इराक जस्ट अ सेकेंड हाँ जी कुवैत इराक सऊदी अरब यमन कतर बहरेन तो अब यहां पर एलिमिनेशन से ईजी हो गया दैट यमन इज नॉट बॉर्डरिंग दर्शियन गल्फ सो दैट इज वाई आंसर जहां पर फोर नहीं होगा यहां पर फोर नहीं है लेकिन आपके बाकी केस सभी इसमें बॉर्डर शेयर करते हैं तो आंसर विल बी वन टू थ्री फाइव एंड सिक्स ओनली सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज डिस्कशन थैंक यू एंड हैव अटे